हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग का लास्ट चैप्टर हीटिंग सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? तापन प्रणाली। किसमें हम तापन प्रणाली पढ़ेंगे? बिल्डिंग से रिलेटेड तापन प्रणाली को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीट क्या होता है। देखिए, हीट एक तरह से एनर्जी होती है, फिर हम समझते हैं कि हीट क्या होता है। ठीक है, करेक्ट। किसी वस्तु को स्पर्श करने पर हम मोटे तौर पर यह अनुमान कर सकते हैं कि यह वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। नॉर्मल सी बात है। तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं भाई? हीट कहते हैं। देखिएगा, जैसे कि जब भी हीट का ट्रांसफर होगा या किसी भी चीज का ट्रांसफर होगा तो डिफरेंस के ही कारण होता है मैक्सिमम चीजों का। ठीक है, तो हीट का भी जो ट्रांसफर होगा कैसे होगा? डिफरेंस मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा। जैसे कि हम कह दें यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है। जब इन दोनों को क्या करेंगे, जब इन दोनों को कंटेक्ट मिलाएंगे तो उष्मा का फ्लो, हीट का फ्लो, सॉरी जो टेम्परेचर का फ्लो कहाँ होगा? इधर से लेकर के इधर होगा। तो यही चीज है कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, समझिएगा? कह रहा है ना, हाँ कह रहा कि यह, हाँ कह रहा कि तापांतर के कारण भाई टेम्परेचर का अंतर होगा तभी फ्लो होगा, बाकी का तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कुछ नहीं होगा। तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा कहते हैं या फिर हीट कहते हैं। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे क्या कहेंगे हम? हीट कहेंगे। तापांतर के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से होने वाली ऊर्जा स्थानांतरण को कार्य करते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर के कारण एनर्जी है, सिर्फ टेम्परेचर के ही कारण एनर्जी ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर के कारण और से भी बहुत रीजन होते हैं। हाइड्रोलिक्स वगैरह पढ़े होंगे आप, मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो कि एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी चेंज होता है उसे हम हीट कहते हैं, है ना। और उसके अलावा किसी अन्य कारण से जो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे कार्य। उसे क्या कहते हैं? कार्य। ताप किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है कि वह वस्तु अन्य वस्तु के संपर्क पर उस वस्तु को उष्मा देगी या उष्मा लेगी। उष्मीय संतुलन के लिए उष्मा उच्च ताप से कम ताप की ओर, उष्मा जो है कहां से भाई, अभी ऐसा डायग्राम बनाए थे ना, उच्च ताप से कहां आएगी? कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अब टेम्परेचर को क्या करेंगे, मापेंगे। क्या है कि द फॉलोइंग स्केल ऑफ हीट मेजरमेंट आर। ठीक है, तो क्या करेंगे? ताप मापने के निम्नलिखित पैमाने हैं। पहला है आपका सेंटीग्रेड। क्या है? सेंटीग्रेड। इसे हम सेल्सियस कहते हैं। अभी लिखे थे 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन निवासी सेल्सियस ने सन 1742 में किया था। इसके आधार पर जल के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस माना गया। हिमांक मतलब जिस टेम्परेचर पे पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। और जिस पर क्या हो जाए, पानी क्या हो जाए, बॉइलिंग शुरू कर दे, जिस पर पानी क्या कर दे, बॉइलिंग कर से जिस टेम्परेचर पे, उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो पानी का हम कह दें हिमांक कितना है तो कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पे हो, वो क्या होने लगेगा भाई? वो बॉयल कर देगा, तब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को। तो ये डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, चलिए अगला। दूसरा है आपका फारेनहाइट पैमाना। क्या है आपका? फारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फारेनहाइट ने 1717 में किया था। 1742 यानी डिग्री से मतलब सेल्सियस से पहले हमारे पास फारेनहाइट आया था। इसके अनुसार जल का हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट पे, यानी पानी कितने डिग्री फारेनहाइट पे जमता है भाई? 32 पर। और क्वथनांक कितने पर जमता है, मतलब बॉइलिंग कितने पर होता है पानी? 212 डिग्री फारेनहाइट लिया गया। इन दोनों अंकों के बीच ताप का अंतर कितना है? 180। इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अंतर है सिर्फ 100 का। 32 से लेकर 212 के बीच में कितना डिफरेंस है? 180 का। यानी जो 32 डिग्री सेल्सियस होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा? बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगला आता है आपका केल्विन। क्या होता है भाई? केल्विन पैमाना।
ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन ने 1800 में था 1852 में विकसित किया था। इस पैमाने पर जल का हिमांक 273 डिग्री केल्विन है ना, 273 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, पानी जम जाएगा। और भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट का रहा है 373, यानी इसके भी बीच में अंतर कितना है, 100 का ही अंतर है लिया गया है। इन दोनों अंकों के बीच में 100 भागों में बांटा गया है। करें कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 के बराबर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम रहा था, बर्फ बन रहा था, 373 केल्विन पर बर्फ बन रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या बन रहा है आपका, बर्फ बन रहा है। अतः सेंटीग्रेड को 100 जोड़ने पर अतः सेंटीग्रेड अंक में 100 जोड़ने पर केल्विन पैमाने का अंक प्राप्त हो जाता है। तापमान उपकरण को थर्मामीटर कहते हैं, है जिसे हम टेम्परेचर को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई सर, थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। अब रिलेशन देख लीजिए, रिले पैमानों में संबंध क्या है, डिग्री सेल्सियस है। अब डिग्री सेल्सियस में कितने भागों में बांटे हैं, 100 भागों में। एफ माइनस 32 कितने भागों में बांटे हैं, 180 भागों में। के माइनस 273 कितने भागों में बांटे हैं भाई, 100 भागों में। और देखिए सी माइनस 0 होता है, जैसे देखिए सी एफ एफ 32 से लेकर 212 होता है तो एफ माइनस 32, के 273 से लेकर 373 होता है के माइनस 273। इसी तरह C माइनस 0 से लेकर के मतलब 100 तक होता है तो C माइनस 0, तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो आता है सी अपान में 1000, एफ माइनस 32 अपान में 180, के माइनस 273 अपान में 100 आता है, ठीक है। अलग अलग तापमापियों पर एक ही वस्तु का ताप भिन्न भिन्न आता है, ठीक है ना भाई। अलग अलग मापेंगे, अलग अलग ताप टेम्परेचर मापेंगे तो कोई डिग्री सेल्सियस में आएगा, कोई फारेनहाइट में आएगा, कोई केल्विन में आएगा, तो अलग अलग आएगा। अतः सुसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए एक ही यूनिट का परिणाम प्राप्त करना है तो मानक तापमापी बनाया गया है, ठीक है, इसे स्टैंडर्ड थर्मामीटर बनाया गया। चलिए अब क्या आ जाएगा आपका, थर्मल एक्सपेंशन, क्या आता भाई, थर्मल एक्सपेंशन आएगा यानी तापीय प्रसार। ध्यान दीजिएगा, ताप वृद्धि होने से वस्तु के आकार में वृद्धि होती है। हम जानते हैं इस बात को कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर बढ़ता है तो फैलता है और टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ता है। यही कह रहा है कि ताप वृद्धि होने से वस्तु के आकार में वृद्धि होती है। यह वृद्धि वस्तु के पदार्थ की प्रकृति, इसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा ताप वृद्धि दर पर निर्भर करती है। भाई आकार में कितना वृद्धि होगा ये देखा जाएगा कि पदार्थ कैसा है, किस तरह का पदार्थ है। भाई शीशे का पदार्थ है तो टेम्परेचर पर कितना उसके आकार में वृद्धि होगा, होगा नहीं होगा, क्रैक कर जाएगा, है ना। तो पदार्थ की प्रकृति पर देखेंगे, इसकी लंबाई देखेंगे, उसकी लंबाई है कितना, है ना, उसका एरिया देखेंगे, भाई ज्यादा लंबाई रहेगा तो कितना वृद्धि होगा, कम लंबाई रहेगा तो कितना, एरिया देखेंगे, आयतन देखेंगे तथा ताप वृद्धि दर, भाई किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ताप वृद्धि दर मतलब किस रेट से आप इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए किसी ठोस द्रव्य का दर्द प्रसार गुणांक यानी एक कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसे किसी ताप तक गर्म किए जाने पर उसके रेखीय प्रसार तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई एवं ताप वृद्धि के गुणनफल का अनुपात होता है। करें कि कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का क्या होता है भाई, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रेखीय प्रसार, भाई कितना प्रसार हुआ है अपान में प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि के गुणनफल का क्या होता है, अनुपात होता है ना। तो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, यही बोला ना, उसे किसी ताप तक गर्म किए जाने पर उसके रेखीय प्रसार, कितना रेखीय प्रसार हुआ है तथा उसकी आरंभिक लंबाई एवं ताप वृद्धि व टेम्परेचर में कितना चेंज किए हैं के गुणनफल का अनुपात होता है, ठीक है। करा इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री फारेनहाइट, प्रति डिग्री केल्विन होगा। देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा क्योंकि ए भी लेंथ मिलेगा, ए भी लेंथ मिलेगा, तो बस टेम्परेचर ही बचेगा, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में, सॉरी टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं तो प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर नीचे है, फारेनहाइट में मापेंगे तो प्रति डिग्री फारेनहाइट, केल्विन में मापेंगे तो प्रति डिग्री केल्विन, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट होगा। तो ये सिर्फ लंबाई में वृद्धि कर रहा है, लिख रहा है ना,
कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यही लीनियर का जगह बस आ जाएगा एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा। और जब एरिया आ जाएगा तो रेखीय की जगह क्या हो जाएगा भाई, कितना एरिया में प्रसार हुआ, उसके बाद शुरू का एरिया और टेम्परेचर तो वही रहेगा। यही हम आयतन प्रसार निकालेंगे तो क्या कितना आयतन मतलब कि आयतन प्रसार गुणांक निकालेंगे तो रेखीय की जगह हो जाएगा आयतन, शुरू की लंबाई की जगह हो जाएगा शुरू का आयतन, और ताप वृद्धि तो ताप वृद्धि रहेगा। ठीक है, यही बात कहेगा। इसी आधार पर वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्या है, कोफिशियंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड यानी द्रवों का आभासी प्रसार गुणांक। अब हमको क्या पढ़ना है भाई, द्रवों का आभासी प्रसार गुणांक। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा ना किसी द्रव को गर्म करने पर उसका पात्र, देखिएगा समझिएगा, कहने का मतलब है जब हम किसी बर्तन में पानी रखकर गर्म करेंगे तो क्या सिर्फ पानी का आयतन बढ़ेगा, नहीं द्रव का भी आयतन, सॉरी मतलब कि पानी का ही आयतन सिर्फ बढ़ेगा नहीं, उसके साथ साथ बर्तन, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टेम्परेचर के कंटेक्ट में आएगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका आयतन बढ़ेगा, तो बर्तन में पानी रख करके गर्म कर रहे हैं तो बर्तन भी अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा और पानी भी अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। जब किसी द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन तथा पात्र, सॉरी जब किसी द्रव को गर्म करने पर किसी द्रव को गर्म करने पर उसका मतलब द्रव तथा पात्र जिसमें रख कर तापित किया जाता है, मतलब बर्तन दोनों का आयतन बढ़ता है। अभी हम जस्ट देखें, चूंकि द्रव का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में अधिक बढ़ता है, भाई बर्तन का आयतन कम बढ़ेगा, द्रव का आयतन क्या बढ़ता है, ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए बर्तन के प्रसार की उपेक्षा करने पर है ना, बर्तन के प्रसार का ध्यान नहीं देंगे पर द्रव का आभासी प्रसार ही दिख पाता है, जो सिर्फ द्रव का हमको प्रसार दिख पाता है, अतः द्रवों में आभासी प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, द्रव में क्या होता है भाई, आभासी प्रसार गुणांक होता है। आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है, द्रवों के आयतन में आभासी वृद्धि अपान में द्रव का मूल आयतन अपान में ताप वृद्धि। ठीक है, तो आभासी वृद्धि कैसे होगा, आभासी वृद्धि क्या होगा भाई, समझिएगा आभासी वृद्धि कैसे होगा, हम बता रहे हैं आभासी वृद्धि क्या होगा, देखिएगा होगा द्रव के आयतन में वृद्धि अपान सॉरी माइनस बर्तन के आयतन में वृद्धि। कहाँ हो जाएगा आपका, द्रव के आयतन में वृद्धि अपान में बर्तन के आयतन में वृद्धि। बताइए क्या बर्तन के आयतन का वृद्धि आपको दिखाई देगा, क्या आपको बर्तन का आयतन का वृद्धि आपको बहुत कम मात्रा में होगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आभासी वृद्धि द्रव के आयतन में वृद्धि के ही बराबर होगा। ठीक है ना, बर्तन में आयतन वृद्धि बहुत कम होगा, यही चीजें कह रहा है। देखिए तुलना में अधिक बढ़ता है, पात्र के तुलना में द्रव का आयतन अधिक बढ़ता है, इसलिए पात्र के प्रसार की उपेक्षा करने पर यानी बर्तन के प्रसार को छोड़ दीजिए, उपेक्षा करने पर द्रव का आभासी प्रसार ही, जो आभासी वृद्धि हो रहा है वही दिखाई आपको द्रव का आयतन में वृद्धि के बराबर होता है, अतः द्रव में आभासी प्रसार गुणांक होता है। ठीक है, चलिए अगला कहता है द्रव का असमान प्रसार एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, द्रव को गर्म करने पर इसके आयतन में वृद्धि होती है, द्रव याद रखिएगा पानी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि पानी में वृद्धि जो पानी में वृद्धि होता है एबनॉर्मल मतलब अजीब तरह से, एबनॉर्मल मतलब अजीब तरह से, सामान्य नहीं है भाई, सामान्य नहीं है, असामान्य है, रेयर केस में अजीब तरह से व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है समझिएगा, द्रव को गर्म करने पर
इसके आयतन में वृद्धि होती है, ध्रुव के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु पानी को, परंतु अब पानी के बारे में करा करा भाई, किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर इसके आयतन में कमी होती है। यही तो एबनॉर्मल बिहेवियर है, असमान है। ठीक है, क्या हो गया कि किसी भी द्रव को गर्म करने पर करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, परंतु पानी को गर्म करेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ही, तब तक क्या होगा उसके आयतन में कमी होगी। और घनत्व बराबर क्या होता है, देखिएगा घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन कम हो गया घनत्व बढ़ गया, इसलिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम घनत्व मिलता है आपको पानी का। देखोगे ना ब्रैकेट में लिखता है 4 डिग्री सेल्सियस कम होती है, और इससे अधिक यानी अब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे और इससे अधिक गर्म करने पर सामान्य द्रव के भांति इसमें बढ़ोतरी होती है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन की में उसका कमी होती है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अन्य द्रव जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ाएंगे, तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी भी अपना आयतन बढ़ाएगा। ठीक है, अन्य द्रवों के भांति ही बढ़ोतरी होती है। जल को ठंडा करने के क्रम में इसके विपरीत घटता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करने पर गर्म जल के आयतन में बढ़ोतरी होती है। गर्म जल के आयतन में क्या होती है भाई, अब बढ़ोतरी होगी, है ना। जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, कितना होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर कह दीजिए, या 1000 किलो 1000 केजी पर मीटर क्यूब कह दीजिए, बात है वह, है ना। यानी घनत्व तो कितना कह रहा है भाई, घनत्व तो का आप ऐसे कह सकते हैं 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है मेरे लाल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हम हीटिंग पढ़ेंगे। हीटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या पढ़ेंगे मेरे लाल कि हीटिंग सिस्टम क्या होता है, समझिएगा। ताप ऊर्जा की एक प्रकार है, वो तो हम ऊपर भी देखें, जो टेम्परेचर होता है वो ऊर्जा का एक प्रकार होता है, इसे जूल में व्यक्त किया जाता है। परिवर्तन पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो तापमान में बदलाव पदार्थ के पिंड और विशिष्ट ताप क्षमता के गुणनफल में होती है। ठीक है, ऐसे समझे फिजिक्स जो थर्मोडाइनेमिक्स होता है वहां का लिया गया है, इससे मतलब नहीं, आगे देखना। वस्तु किसी के शीतलता अथवा तापिता का स्तर तापमान कराता है। टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर क्या है कि कोई कितना ठंडा है कोई कितना गर्म है, और जो उसका ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा उसे हम कहेंगे हीट। दो विचाराधीन वस्तुएं जब थर्मल संपर्क, जब थर्मल संपर्क में होती है तब दोनों का तापमान दर्शाता है, जब दोनों का तापमान दर्शाता है कि ताप किस दिशा में बहेगा। कह रहा है कि जब थर्मल संपर्क, जब जो दो मान ली कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमको चेक करना है, जिसको विचार करना है, जिसको हम प्रयोग में ले रहे हैं, तो कह रहा है दो विचाराधीन वस्तुएं जब थर्मल संपर्क में होती है तब दोनों का तापमान दर्शाता है कि ताप किस दिशा में बहेगा। तो दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है तो दोनों का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि फ्लो किधर से किस दिशा में होगा। यदि दोनों वस्तुओं में समान तापमान है तब इनमें ताप का कोई प्रवाह नहीं होगा, ताप सदा तापित वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाता है। हम देखे हैं करें कि समा जाता है की ओर जाता है, ठीक है की ओर जाता है, यहां लिख दे रहे हैं है मोटा है तो जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कह रहा है कि जब दो वस्तुएं समान मटेरियल की है, इन्हें जब दो वस्तुएं समान मटेरियल के है परंतु दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, मास क्या क्या है भाई अलग अलग है, तब अधिक द्रव्यमान रखने वाली वस्तु में ताप ऊर्जा इसके द्रव्यमान के अनुपात में उतनी ही अधिक होगी। पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, एक बहुत ज्यादा भारी है एक हल्का है,
तब जो भारी होगा ना, जो भारी होगा उसमें क्या होगा भाई, उसमें जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर एनर्जी उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जितना अधिक द्रव्यमान उसके अंदर ताप ऊर्जा उतना ही अधिक हो जाएगा। अब टेम्परेचर की इकाइयां क्या है, एक हम सॉरी टेम्परेचर कह रहे हैं हीट की इकाइयां क्या है, इसी तरह का इकाई हम शुरू शुरू में ही देखे थे, ए इकाइयां देखे थे। ठीक है, तो एक क्या था भाई, एक क्या था सेंटीग्रेड था, इसी तरह अरे कहां गया, एक क्या था भाई ए स्केल था। अब यहां देख रहे हैं ताप की इकाइयां क्या है, ठीक है ना, कहां गया भैया, ताप की इकाइयां यूनिट से आप क्या है, वो स्केल था, स्केल था मेजर करने वाला, है ना, स्केल 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्केल पीछे हम पढ़े, अब हम यूनिट पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ताप की मापन जैसे कि स्केल में क्या होता है, स्केल में सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर होता है, और यूनिट क्या होता है इंच, इंच वाला अलग यूनिट हो गया, FPS कहते हैं, MKS वाला अलग यूनिट हो गया, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया FPS हो गया, सिस्टम पढ़ते हैं ना, सिस्टम होता है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, FPS सिस्टम होता है ना, स्केल में मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर या फिर फुट इंच, यही सब तो होता है। तो अभी हम फुट इंच स्केल पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम, जैसे कि पहला क्या होता है भाई, कैलोरी, कैलोरी होता है, फिर आगे हम देखेंगे जूल मिलेगा, अदर इकाइयां मिलेगी। तो तापमान की इकाइयां, ताप की मापन इकाई मास, हाँ ताप की मापन इकाई पिंड का तापमान और विशिष्ट ताप क्षमता का गुणनफल होती है। ठीक है, मापन इकाइयां निम्नलिखित है, तो भाई ताप की जो इकाई होती है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का गुणनफल क्या होता है भाई, ताप की मापन इकाई, इन दोनों का ही गुणनफल क्या होता है, ताप की मापन इकाई। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलोरी, सबसे पहले कहेंगे क्या, कैलोरी, 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कैलोरी कहते हैं। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, तापमान हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को आवश्यक ऊर्जा के लिए, आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा मतलब क्या भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। अतः 1 ग्राम, अतः 1 किलो जल का 1 डिग्री सेल्सियस, देखिएगा 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कैलोरी कहलाती है, लेकिन 1 किलो जल का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए किलो कैलोरी कहा जाता है, जितना एनर्जी लगेगा उसे कहेंगे क्या, किलो कैलोरी। ठीक है, तो 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा उसे कैलोरी कहेंगे, लेकिन 1 किलो जल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा उसे हम कहेंगे किलो कैलोरी। फिर आता है आपका जूल, जूल क्या है भाई, अब जानते हैं हम लोग जूल क्या है, हीट ट्रांसफर तो देखते हैं इसमें, यह सभी प्रकार की ऊर्जा जैसे ताप ऊर्जा कार्य ऊर्जा इत्यादि का एसआई मात्रक, एसआई में मापन है। ठीक है, एसी पे आपका जो कैलोरी है ना सिर्फ हीट में काम करेगा, लेकिन जूल आप देखते होंगे कि हीट के अलावा ताप के अलावा अब जूल का यूनिट हर जगह पड़ता होगा, जहां वर्क होगा वर्क की इकाई आपका आ जाएगा, आपका जूल आ जाएगा। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई में मापन है। एक न्यूटन बल को किसी वस्तु को 1 मीटर तक, भाई 1 न्यूटन क्या है भाई, है ना, कह रहा कि किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगा करके 1 मीटर तक सरकाने में, इसी की दिशा में बढ़ाने में यानी सरकाने में जो कार्य होता है उसे 1 जूल माना जाता है। अतः 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, 4.2 जूल। अब इसके अलावा अन्य इकाइयां क्या होती है, जैसे BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 पाउंड जल को 1 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म करने के लिए आवश्यक ताप को 1 BTU कहते हैं। इसके बाद आता है CHU यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट, 1 पाउंड जल को, भाई पाउंड ही जल है, 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ताप को कहेंगे क्या, कहेंगे भाई क्या कहेंगे, CHU।
क्या कहेंगे, सी एच यू, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उष्मीय ऊर्जा। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, उष्मीय ऊर्जा यानी कि उष्मीय यानी थर्मल एनर्जी। क्या पढ़ना है हमको, अब थर्मल एनर्जी पढ़ना, ठीक है। देखिएगा, करें किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए इसे बाहर से किसी न किसी रूप में ऊर्जा देनी होती है। करें किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए इसे बाहर से किसी न किसी रूप में ऊर्जा देनी होती है, अर्थात वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करनी पड़ती है। वस्तु पर बल लगाकर यांत्रिक कार्य किया जाता है जिससे वस्तु को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कार्य विद्युत ऊर्जा धारा द्वारा भी किया जाता है। जल को सूर्य की धूप में रखने पर यह गर्म हो जाता है। इसका कारण दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस, तापांतर का होना है। सूर्य से वस्तु को ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ठीक है, समझिएगा। समझा दें इसको एक बार और समझिए। किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने के लिए इससे इसे बाहर से किसी न किसी रूप में ऊर्जा देनी होती है, समझ आ रहा है। अर्थात वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा तो आपस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल टकराएंगे जिससे हीट जनरेट होगा। वस्तु पर बल लगाकर यांत्रिक कार्य किया जाता है जिससे वस्तु को ऊर्जा प्राप्त होती है। हम मैकेनिकल वर्क करेंगे तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। यह कार्य विद्युत ऊर्जा द्वारा भी किया जाता है, यानी जो उसको मैकेनिकल एनर्जी का जो दे रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा धारा देकर भी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं। जल को सूर्य की धूप में रखने पर यह गर्म हो जाता है। भाई जल को जब गर्म धूप में रखते हैं तो गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, इसका कारण दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होना है, है ना। सूर्य के पास टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर का डिफरेंस है जिससे सूर्य से पानी में टेम्परेचर ट्रांसफर होता है और सूर्य से वस्तु को ऊर्जा स्थानांतरित होती है। आगे समझिएगा, कह रहा है तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा या उष्मा कहते हैं। तापांतर के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को कार्य कहते हैं, ये हम देखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है हीट ट्रांसफर, भाई हीट का ट्रांसफर किस सिस्टम से होता है। हीट अभी हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट जाएगा या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर एनर्जी ट्रांसफर होगा। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है, ये ट्रांसफर कितने तरह से होता है भाई, तीन तरह से होता है। ये ट्रांसफर कितने तरह से होता है, तीन तरह से होता है। कितने तरह से होता है, तीन तरह से होता है। एक क्या होता है, चालन, एक क्या होता है, संवहन, एक क्या होता है, विकरण। अब चालन संवहन विकरण आप बचपन में ही पढ़ेंगे। जैसे एक छड़ है, एक क्या भाई छड़ है, अब छड़ के नीचे आग लगा दीजिए। देखिए अब छड़ के नीचे क्या लगा रहे हैं, छड़ के नीचे क्या लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। देखिए छड़ के नीचे आग लगाए, छड़ के नीचे क्या लगाए, आग लगाए। अब उसके बाद कुछ देर बाद जब यहाँ टच करेंगे अपना, जब यहाँ टच करेंगे, ठीक है, जब यहाँ ये आपका हाथ है, वाह क्या हाथ है, ऐसे टच किए, जब टच करेंगे तो भाई आग तो यहाँ लगाए हैं लेकिन गर्म वहां हो जाएगा, गर्म क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा। इसे कहेंगे चालन, इसे क्या कहते हैं भाई, चालन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक बर्तन लीजिए, एक बर्तन लीजिए, एक बर्तन लीजिए, इसमें पानी रख दीजिए, इसमें पानी रखिए, इसमें पानी रखिए, नीचे क्या लगाना है आपको, नीचे फिर आग लगा दीजिए, नीचे क्या लगाए, आग लगाएंगे। इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ यहाँ जो गर्म होगा, यहाँ जो पानी गर्म होगा, यहाँ जो पानी गर्म होगा वो गर्म होकर के ऊपर चला जाएगा, यहाँ जो पानी गर्म होगा गर्म होकर के ऊपर चला जाएगा, और जब पानी जब गर्म होकर ऊपर जाएगा तो उसका स्थान भरने के लिए ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। जैसे पानी है ये गर्म होकर ऊपर गया, अब उसका स्थान भरने के लिए ठंडा पानी आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पानी गर्म होगा और फिर गर्म होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर इसका स्थान भरने के लिए ठंडा पानी आ जाएगा। इसी तरह करते करते पूरा पानी गर्म हो जाता है, पूरा पानी क्या होता है, गर्म होता है। आप देख सकते हैं खुद, जब गर्म बर्तन अब एकदम खोलते हुए नहीं, थोड़ा बहुत गर्म बर्तन में हाथ डालेंगे तो ऊपर ज्यादा गर्म रहेगा, नीचे जाएंगे तो ठंडा रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं चालन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चालन, इसे कहते हैं संवहन, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम संवहन कहते हैं। चलिए समझते हैं, अब एक जगह डेफिनेशन देखते हैं। जब ताप ऊर्जा एक द्रव्यमान से अन्य द्रव्यमान में सीधे संपर्क के से अंतरित होती है तो इसे चालन कहते हैं। देखिए सीधे कनेक्ट है ना, सीधे कनेक्ट है, यहां से यहां आ जा रहा है,
इसे क्या कहेंगे? चालन। वही तो कह रहा है, जब ताप ऊर्जा एक द्रव्यमान से अन्य द्रव्यमान में सीधे संपर्क से अंतरित होती है, डायरेक्ट टच से अंतरित होती है, इसे चालन कहते हैं। समझ गए? संवहन देखिए, तरल पदार्थों व गैसों को ठंडी से गर्म अथवा गर्म से ठंडी जगहों की तरफ प्रसारण संवहन कराता है। भाई एक कहां जा रहा था? देखिए, एक गर्म होकर के ठंडी की तरफ जा रहा था, एक गर्म होकर के ऊपर गया, अब इसका स्थान भरने के लिए गर्म को ऊपर गया, अब गर्म को भरने के लिए ऊपर से नीचे आया, तो ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? ठंडी से गर्म। अब देखिये, ठंडी है ना, ऊपर ठंडी है, नीचे आ रहा है, फिर गर्म होकर के ऊपर ठंडा हो जा रहा है, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? हाँ, गर्म अथवा गर्म से ठंडी जगहों की तरफ प्रसारण संवहन कराता। विकिरण क्या होता है? विकिरण, विकिरण में किसी में आता है, जेई में क्वेश्चन आता है कि किस मेथड में किसी मीडियम का आवश्यकता नहीं है। अरे यहां से टेम्परेचर यहां गया तो एक मीडियम था, यहां से टेम्परेचर मतलब यहाँ का पानी यहाँ गर्म होकर गया तो एक मीडियम है ना, पानी पानी से होते हुए जा रहा है, यहाँ छड़ है तो छड़ छड़ से होते हुए जा रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में सटे हैं या कनेक्ट करते हुए, तो मीडियम के थ्रू जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई? एक मीडियम के थ्रू जा रहा है। लेकिन विकिरण में क्या होता है? बिना मीडियम के डायरेक्ट एनर्जी लेता है, जैसे कि सूर्य से आपको एनर्जी मिल रहा है, तो कोई मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम आपको नहीं है ना? आप कहेंगे वायुमंडल मीडियम, अरे जहाँ वायुमंडल नहीं होता वहां पे सूर्य की रोशनी पहुंचती है, ठीक है, ये चंद्रमा पे वहां पे सूर्य की रोशनी पहुंचती है। अब आग के पास बैठे हैं ठंडी में, ऐसे हाथ लगा के आग ताप रहे हैं, तो क्या मीडियम आपके बीच में नहीं है? मीडियम, ठीक है, तो उसे कहते हैं विकिरण। देखते हैं इसके बारे में दिया कि नहीं। प्राणी को पवन का महसूस होना संवहन के कारण होता है। जब देखते ना गर्मी से आए रहेंगे जब कुल ठंडा ठंडा हवा लगेगा तो बहुत मजा आएगा, उसे वो संवहन प्रोसेस होता है। वो क्या होता है भाई? संवहन प्रोसेस होता है, ठीक है। बगैर माध्यम के ताप ऊर्जा का अंतरण विकिरण कहलाता है। देखे ना, बिना माध्यम के जब भी ताप ऊर्जा का मतलब इधर से उधर जाएगा तो उसे कहेंगे हम क्या? विकिरण कहेंगे। जैसे सूर्य का ताप विकिरण के कारण पृथ्वी तक पहुंचता है। काली सतहें अन्य सतहों की तुलना में अधिक विकिरण अवशोषित करती है। अब जानते हैं भाई, सफेद मतलब ज्यादा प्रकाश को वापस भेज देता है और काला क्या होता है? ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। अतः मानव ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र अधिक पहनता है ना, गर्मी काल में क्या पहनते हैं हम लोग? सफेद वस्त्र पहनते, करिया पहन लेंगे ना तो तू आपको करिया कर देगा, ठीक है, तो काला यदि नहीं पहनना नहीं तो हो जाएंगे कलुआ, वस्त्र अधिक धारण करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या, अब हम सेंट्रल हीटिंग समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? सेंट्रल हीटिंग कहते हैं। यहाँ से आपका मेन पोर्शन आपका शुरू होता है सेंट्रल हीटिंग से, ठीक है। अब घर की बात होगी, अब कहाँ बात होगी? अब घर की। अभी तो एक तरह से इंट्रोडक्शन था, बाहर बाहर पढ़ाई हो रहा था। देखिएगा, सेंट्रल हीटिंग घरेलू जल आपूर्ति में अनेक कार्यों में ठंडे तथा गर्म जल की मांग रहती है, रहेंगे कभी गर्म कभी ठंडा कभी दोनों, जबकि जल विभाग द्वारा आपको ठंडे यानी प्राकृतिक ठंडे जल की ही आपूर्ति होती है। अब जल विभाग आपको गर्म करके नहीं देगा, वो आपको नॉर्मल पानी ही देगा, ठंडे जल की, नॉर्मल पानी को ठंडा कर रहा है। अतः घरेलू प्रयोग के लिए पानी को गर्म करने की व्यवस्था अलग से निजी स्तर पर करनी पड़ती है। आवासीय कक्षों में शरद ऋतु में भी गर्म रखना होता है, आवासीय कक्षों को भी गर्म रखना पड़ता है ठंडी के दिनों में। एकल कक्ष यानी स्नान कक्ष या रसोई कक्ष में गर्म पानी के लिए गीजर लगाया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना व्यवस्था हम समझ चुके हैं, अब इसका क्या क्या व्यवस्था है देखते हैं। जब पूरे घर को गर्म रखना होता है तब सेंट्रल हीटिंग व्यवस्था की जाती है। हम सेंट्रल हीटिंग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। घरेलू तापन प्रणाली के मुख्य घटक निम्न हैं, जैसे बॉयलर, क्या भाई? बॉयलर, जैसे प्रोग्रामर है, उसके बाद अगला क्या है भाई? रूम थर्मोस्टेट है, फिर क्या है? हॉट वायर सिलेंड्रिकल थर्मोस्टेट है, ठीक है। इस सब से क्या करते हैं, क्या करता है? किसी को ठंडा करता है किसी, और इसमें कोई ठंडा करेगा कोई गर्म करेगा, इन सबको हम पढ़ेंगे। फिर रेडिएटर है, फिर क्या है भाई? हॉट वाटर सिलेंडर है, फिर क्या है? अपवर्तक वाल्व है,
डाइवर्टेड वाल्व और फिर क्या मिलेगा आपको, पंप मिलेगा। समझते हैं, अब सबके बारे में समझते हैं। जो तापक जल टंकी के, हाँ जो तापक जल है, तापक जल मतलब किसको कह रहा है भाई, तापक जल देखिए लिखा है तापक बॉयलर, ठीक है बॉयलर लिखा है तापक, ठीक है। तो जो तापक है जल टंकी के पानी को तथा कमरों को गर्म रखता है भाई, बॉयल करके रखे है ना, क्या करके रखे है भाई, जो जो तापक है जो बॉयलर है जल टंकी के पानी को तथा कमरों को गर्म करके रखता है। प्रोग्रामर तथा तापस्थापी, देखिए प्रोग्रामर, प्रोग्रामर तथा तापस्थापी है ना, रूम थर्मोस्टेट, तो प्रोग्रामर तथा तापस्थापी, प्रोग्रामर तथा तापस्थापी बॉयलर को ताप की आवश्यकता होने पर अथवा न होने पर ऑफ ऑन करते हैं, ठीक है बॉयलर को करेंगे ऑन ऑफ, ठीक है। अपवर्तक वाल्व तापस्थापी का ताप मांग पर नियंत्रण करता है। तो जो जो अपवर्तक वाल्व होगा वो किसको नियंत्रण करेगा भाई, तापस्थापी और प्रोग्रामर को। प्रोग्रामर किसको नियंत्रित करेंगे आपके, बॉयलर को। रेडिएटर बॉयलर से गर्म पानी का प्रवाह नियंत्रित कर रहा है। तो कितना गर्म पानी से पानी निकले, सॉरी कितना गर्म पानी का फ्लो होगा वो कौन नियंत्रित करेगा, रेडिएटर। कौन नियंत्रित करेगा, रेडिएटर, ठीक है। तो देखिएगा अभी तक हम इसको समझ गए पूरे, बॉयलर 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 प्रोग्रामर थर्मोस्टेट, फिर हम क्या समझे भाई, फिर हम समझे हैं रेडिएटर, फिर क्या समझे हैं, रेडिएटर है, ठीक है। एक बार और देख रहे हैं, कर तापक है जो है, तापक मतलब बॉयलर जल टंकी के पानी को तथा कमरों को गर्म रखता है। मेनली इसका टंकी के पानी को गर्म, अब आपके घर का टंकी नहीं, इसके लिए गर्म पानी के लिए अलग तरह से टंकी लगाएंगे, टंकी के पानी को गर्म कर रखता है। प्रोग्रामर तथा थर्मोस्टेट बॉयलर को ताप की आवश्यकता होने न होने पर ऑफ ऑन करते हैं, ठीक है भाई। कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता है, मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में बॉयलर लगा है तो दिन में काम हो रहा है, तो दिन में उसको गर्म करेंगे और रात में, मतलब गर्म नहीं, ऑफ ऑन ऑफ कर देंगे स्विच, तो ये क्या करेंगे भाई, ये प्रोग्रामर और थर्मोस्टेट की मदद से करेंगे। जो अपवर्तक वाल्व होता है वो तापस्थापी का ताप मांग पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और रेडिएटर जो होता है बॉयलर से कितना पानी का प्रवाह होगा उसको नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, जो बॉयलर होता है प्राकृतिक गैस यानी मीथेन, बॉयलर प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, खनिज तेल, कोयला, लकड़ी को जलाकर गर्म किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय तापन प्रणाली में तापित जल ले जाने के लिए कॉपर या प्लास्टिक, हम नॉर्मल प्लास्टिक की बात नहीं हो रही, कॉपर या प्लास्टिक के पाइप डाले जाते हैं। पाइपों का व्यास 15 mm, 22 mm, 28 mm होता है, ठीक है। पाइप का व्यास क्या होगा, 15, 22 और 28। और देखिए पानी को तो गर्म कर दिए, अब भवनों में गर्म जल आपूर्ति, भाई पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। अब क्या करेंगे, बिल्डिंग में इसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। देखिए शरद ऋतु मतलब कि गर्मी नहीं, ठंडे की बात हो रही, शरद ऋतु में अथवा ठंडे स्थानों पर हाथ मुंह धोने, स्नान करने, बर्तन धोने के लिए भवनों में गर्म पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। चिकित्सालयों तथा कुछ उद्योगों में भी गर्म पानी के नल डाले जाते हैं और उनके कनेक्शन वॉश बेसिन, स्नान कक्ष, किचन आदि में दिए जाते हैं। गर्म पानी का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक गर्म पानी से त्वचा झुलस जाने का भय रहता है। ऐसा नहीं खौला के नहाइए, नहीं भाई, अत्यधिक गर्म पानी से भाप बनने लगती है और पोर्सलिन की स्वच्छता, फिटिंग की फिनिशिंग नष्ट कर देती है ना। कल भी हम देखे थे भाई, फिटिंग में ज्यादा गर्म या फिर अपघर्षण वाली केमिकल नहीं डालना होता है। सामान्यतः गर्म पानी की टंकी में पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस, सिंक में भी 60 डिग्री सेल्सियस, स्नान के लिए 37 से 43 डिग्री सेल्सियस उत्तम समझा जाता है। अगला देखते हैं, जब स्नान बाथ टब का प्रावधान हो तब प्रति व्यक्ति 40 लीटर गर्म पानी पर्याप्त रहता है, एक व्यक्ति के लिए 40 लीटर पानी, और स्नान टब के बगैर स्नान कक्ष में, कक्ष के लिए 25 लीटर प्रति व्यक्ति गर्म पानी लिया जाता है ना।
बाथ टब में देख रहे हैं लगभग मैं दोगुना पानी खर्चा कर रहे हैं सब। घरेलू जल गर हाँ करा घरेलू गर्म जल टंकी की धारिता 50 से 75 लीटर पर्याप्त रहती है ना, तो 50 से 75 लीटर का टंकी लगाइएगा गर्म वाला। गर्म जल टंकी तांबे अथवा जस्तीकृत मृदु इस्पात की उत्तम रहती है। टंकी सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। देखेंगे गीजर हो गया हमेशा सिलेंड्रिकल लगता है। गर्म जल भंडारण टंकी तथा इससे संबंधित पाइपलाइन की उचित प्रकार से ताप रोधित होनी चाहिए ताकि ऊष्मा की हानि ना हो, है ना। तो आप जानते हैं भाई कि जो भंडारण टंकी रहेगा जिसमें जल इकट्ठा होगा वो उसके जो और इससे संबंधित जो पाइप रहेगा वो क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए कि एनर्जी का ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। इसके लिए टंकी पाइपों पर रेशा कांच खनिज ऊन यानी मिनरल वूल इत्यादि लपेटी जा सकती है। लपेटना क्या है, वो तो खुद कंपनी ऐसा आपको स्टोरेज वाटर बना के देगी कि उसे आपको दिक्कत नहीं होने वाला, लपेटने की जरूरत नहीं। गर्म पानी ले जाने वाले पाइपों की लंबाई न्यूनतम रखनी चाहिए भाई, जितना कम लंबाई रखना है उतना आप कोशिश करिए कम लंबाई हो, क्योंकि नलों में रुका हुआ पानी शीघ्र ठंडा होने लगता है। पाइप में पानी क्या होगा, ठंडा होने लगेगा। गर्म पानी की टोटी बार बार खोलने से भी गर्म पानी का तापमान गिर जाता है। फिर ठंडा जल टंकी हाँ देखिए कर ठंडा जल टंकी तथा गर्म जल टंकी अलग अलग पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए, है ना। तो दूरी होना चाहिए टंकियों के बीच में, गर्म जल टंकी और ठंडा जल टंकी। गर्म जल तापक से बाहर ले जाने वाला पाइप तापक के शीर्ष के निकट लगाना चाहिए। इसका व्यास 20 mm से कम नहीं होगा। गर्म पानी जल टोटी तक ले जाने वाले पाइप की लंबाई, है ना, टोटी तक ले जाने वाले पाइप की लंबाई 12 मीटर जब पाइप का व्यास 20 mm तक हो से अधिक नहीं होगी, समझिएगा। 25 mm व्यास तक के लिए डिलीवरी पाइप के लिए, है ना, 25 mm व्यास तक के डिलीवरी पाइप के लिए यह दूरी 7.5 मीटर ली जा सकती है। 25 mm व्यास से अधिक बड़े पाइप के लिए यह दूरी 3 मीटर तक रहेगी, ठीक है। लंबाई की बात कर रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे कर रहा है। पानी गर्म करने के लिए कोयला गैस तेल बिजली का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए पानी गर्म करने के लिए गीजर का भी प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए सोलर वाटर हीटर भी प्रयोग होते हैं। सौर ऊर्जा से पानी गर्म कर लीजिए। गर्म जल आपूर्ति का प्रवाह चित्र में दर्शाया गया है, चित्र लेके नहीं आए, फालतू चित्र था। पानी गर्म करने के लिए जब एकल निकास हो, भाई एक ही जगह निकलने की व्यवस्था हो, तो 10 से 25 लीटर धारिता का जो विद्युत हीटर है या गैस विद्युत हीटर लगाना क्या रहता है, आपका ठीक रहता है। हाँ चलिए, फिर गर्म पानी की निकास दर। अब क्या देखेंगे भाई, हम रेट ऑफ फ्लो देखेंगे। क्या देखेंगे, रेट ऑफ फ्लो देखेंगे, कितना तेजी से चींटी काटा हमको, ठीक है। स्नान कक्ष, जो बाथरूम की बात करा, 25 लीटर प्रति मिनट पानी निकलना चाहिए। रसोई कक्ष में 18 लीटर प्रति मिनट निकलना चाहिए। धावन पात्र में 6 से 8 लीटर प्रति मिनट निकलना चाहिए, ठीक है। घरेलू गर्म जल, ठीक है, अब घरेलू देखते हैं भाई। गर्म पानी संबंधित निम्न ताप लिए जाते हैं। अब देख रहे कहां कितना हमको ताप चाहिए, ठीक है, ताप हमको कितना चाहिए। तो उबलता पानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। झुलसाने वाला पानी 65 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च तापमान, हाँ देखिएगा झुलस जाएंगे 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक रखेंगे। सिंक के लिए 50 से 60 रखना चाहिए। स्नान के लिए 41 यानी 37 से 43 डिग्री सेल्सियस। हॉट बाथ, सामान्य गर्म पानी 37 रहेगा। गुनगुना पानी 29, कहते ना गुनगुना करके लाओ, ठीक है। चलिए, घरेलू प्रयोग के लिए गर्म पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। कहीं भी आप 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ गर्म बर्तन धोने के लिए 60 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप बर्तन टच करेंगे तो बर्तन थोड़ा बहुत ठंडा रहता है तो मैनेज कर लेगा।
अब गीजर या वाटर हीटर की बात कर रहा है, गीजर या वाटर हीटर, ठीक है समझिएगा। आधुनिक स्नान ग्रहों व रसोई में गर्म पानी की व्यवस्था के लिए अब गीजर लगाया जाता है। ए तापक यानी ए जो हीटर है सामान्यतः 15 लीटर से 50 लीटर धारिता के होते हैं और 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। गीजर मुख्यतः दोहरे बेलनाकार टैंक का बना होता है, दोहरे बेलनाकार यानी दो लेयर रहता है, उष्मारोधी पात्र होता है ना, इंसुलेटर का रहेगा। इसका बाहरी टैंक मृदुष्पात, जो बाहरी लेयर है वो मृदुष्पात की चादर का तथा भीतरी जो लेयर है वो पीतल की चादर का बना होता है। केसिंग और भीतरी टैंक जो बाहर वाला उसे केसिंग कर रहे हैं और भीतरी टैंक के रिक्ति में कांच की रुई भरी जाती है ताकि टैंक की उष्मा का ह्रास न हो, ठीक है। भीतरी टैंक के मध्य भाग में आसान सा टॉपिक है चैप्टर करेगा, भीतरी टैंक के मध्य भाग में हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। अब जो टैंक है ना, अब जो टैंक है मध्य भाग मतलब देखें ऐसा है ना, ऐसा है मान लेते ऐसा है, तो उसके सेंटर में लगा रहेगा जो गर्म करेगा, जो सेंटर में लगा रहेगा जो पानी को क्या करेगा गर्म करेगा भाई। ये सब गीजर वगैरह तो आप लोग देखे ही होंगे, गीजर देखेंगे, आगे हम एसी पढ़ेंगे, कूलर पढ़ेंगे, ये तो देखे होंगे, इसीलिए हम फिगर नहीं लेके आए हैं, ठीक है। ये गीजर की बात कर रहा था, कौन है गीजर देखा है भाई। करें कि भीतरी टैंक के मध्य भाग में जो हीटिंग एलिमेंट है लगाया जाता है जिस पर पानी का वांछित तापमान सेट करने के लिए थर्मोस्टेट फिट होता है। थर्मोस्टेट पता चल गया ना, और पानी को सेट करेगा कितना टेम्परेचर तक गर्म होगा। इसी इनलेट है ना, इसी इनलेट यानी कोल्ड टैंक में जल प्रवेश वह निकास पाइप लगाए जाते हैं, ठीक है क्या करे भाई। इसी में इनलेट और आउटलेट पाइप लगाए जाते हैं, उसी में मतलब क्या भाई, जो केसिंग है ना केसिंग में ही इनलेट और आउटलेट पाइप निकाले जाते हैं। प्रवेश पाइप टैंक की तली के पास पानी छोड़ता है, जो प्रवेश पाइप होगा ना और मेरा टैंक है तो नीचे पानी छोड़ता है भाई, आएगा लेकिन पानी वो नीचे छोड़ेगा, पानी छोड़ता है जबकि निकास पाइप टैंक के ऊपरी भाग से पानी ले आता है, क्योंकि पानी गर्म होने के बाद ऊपर जाती है तो हमको गर्म पानी चाहिए, तो ऊपर पानी छोड़ेगा नीचे और पानी हम रिसीव करेंगे ऊपर से बाहर ले आता है। इस प्रकार टैंक में सदा पानी भरा रहता है, गीजर के टैंक में पानी दाब से आता है, ठीक है दाब से आएगा भाई, ऐसा नहीं गुरुत्व के प्रभाव से आएगा, प्रेशर से ही तो पानी ऊपर जाएगा। अगला देखते हैं, गीजर की तली पर हरा और लाल दो लैंप्स लगे होते हैं, ठीक है लाइट लगे रहते हैं, हरा और लाल लाइट लगे रहते हैं जो इनका संचालन दर्शाते हैं। जब तापक में हीटर में पानी का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तब थर्मोस्टेट स्विच द्वारा विद्युत धारा स्वतः कट जाती है, ठीक है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कट जाएगा जब 65 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएंगे। गीजर में दाब विमोचन वाल्व वो वैकुम वाल्व भी लगाया जाता है, सही तो आप जानते हैं भाई प्रेशर रिलीज वाल क्या होगा और वैक्यूम रिलीज वाल क्या होगा। प्रेशर रिलीज वाल क्या करेगा प्रेशर से बचाएगा और क्या होगा वैक्यूम रिलीज वाल क्या होगा वैक्यूम नहीं बनने देगा, ठीक है तो ये दोनों वाल्व भी लगाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी ऊर्जा के वो स्रोत जो कभी खत्म नहीं होने वाले। ऊर्जा के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होता है परंपरागत एक होता है आपका गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब कभी भी एक खत्म नहीं होगा, कभी भी एक खत्म नहीं होगा। जैसे कि हवा के द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करेंगे, पानी के द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करेंगे, सूर्य के रोशनी के द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करेंगे। क्या कभी हवा गायब होगा? नहीं। अरे खराब हवा आएगा, प्रदूषित हवा आएगा, आएगा तो क्या कभी पानी खराब होगा? नहीं, मतलब गायब होगा नहीं, पानी भी आपका पर्याप्त मात्रा नदियों वगैरह में, सूर्य की रोशनी भी आएगा, भले ओजोन ले ओजोन के परच्छेद के आए अपने साथ हानिकारक कुछ भी लेकर आए लेकिन आएगा तो ठीक है। आज विश्व ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है, विश्व की जनसंख्या बड़ी तेजी से हो रही है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि भाई, विश्व की जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी से
बड़ी तेजी से हो रही है। इसके साथ ही ऊर्जा की खपत में 80 में वृद्धि हो रही है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ऊर्जा भी बढ़ेगा। मनुष्य ने उन्नति तथा विकास के नाम पर ऊर्जा का बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना। उन्नति और विकास के नाम पर एनर्जी का बहुत अधिक दोहन हो रहा है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे, जैसे कि लकड़ी, अब रोज लकड़ी काटेंगे तो आज नहीं तो कल खत्म ही होगा। कोयला निकालेंगे तो आज नहीं तो कल खत्म ही होगा। तेल, बिजली इत्यादि बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और इनके वर्तमान भंडारों को देखते हुए अब स्पष्ट दिख रहा है कि एक कुछ ही वर्षों और चल पाएंगे। मनुष्य ने बिजली पर बड़ी आस लगाई थी, बिजली है तो बहुत, बिजली है तो सब कुछ है, परंतु ताप बिजली घर पत्थर पथरी कोयले के रहे सहे भंडारों को देखकर है ना। तो भाई जब अब कोयले के भंडार क्या है, पत्थर भंडार नहीं यार, पथरी होगा ठीक है, पथरीली कोयला होगा ठीक है, पथरी कोयले के रहे सहे भंडारों को देखकर अपना ताप खोने लगे हैं ठीक है। जल विद्युत उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब कोई भी ऐसा नदी नाला या प्रपात शेष नहीं दिख पड़ रहा है जिसकी धारा भारी भरकम टर्बाइनों को घुमाने के लिए आगे बढ़े। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की यह गंभीर स्थिति को देखकर मनुष्य चिंतित और परेशान होना स्वाभाविक है। ऊर्जा के बगैर संसार नहीं चल सकता है, यह विकास की सूचक है। अतः अब मनुष्य को परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकल्प ढूंढना ही होगा। परंपरागत का हमको विकल्प ढूंढना पड़ेगा, तो अब हमको क्या मिलेगा भाई, गैर परंपरागत। आज विश्व के अनेक देश वैकल्पिक ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढने तथा उनका विकास करने में लगे हैं। भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता है। केंद्रीय तथा प्रदेशों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में इस दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान लखनऊ इस दिशा में सराहनीय योगदान दे रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लिए सूर्य की किरणें, चलती हवाओं और बायोगैस की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये स्रोत इस पृथ्वी पर सदा बने रहेंगे और इनके भंडार असीम है। फिर इन स्रोत से उपलब्ध ऊर्जा बहुत ही सस्ती होती है ठीक है। तो हम देखिए, हम परंपरागत में, हम गैर परंपरागत में हम यहाँ पानी भी जोड़े हैं ठीक है, लेकिन ये पानी को भी परंपरागत में जोड़ दिया है कि पानी भी, पानी का फ्लो नदियों में, पानी का फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ गैर परंपरागत में सूर्य की किरणें जो हम लिए थे, हवा भी लिए थे, लेकिन यहाँ बायोगैस ले रहा है ठीक है, लेकिन हम क्या लिए थे, यहाँ पर पानी लिए थे। तो पानी अब मान के चला जा रहा है कि खत्म हो रहा है, पानी का दोहन जानते हैं तेजी से हो रहा है ठीक है। तो इसको गैर परंपरागत में नहीं रखा है, उसको परंपरागत में पानी को रख दिया ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र, फोटोवोल्टाइक प्रकाश व्यवस्था, पवन चक्की, सोलर हीटर, सौर कुकर, सौर अन्न शोषक, कुछ ऐसे नाम है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर आधारित हैं और बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं है ना। अब देखते होंगे आजकल, वैसे सोलर कुकर और सर अन्य शोषक की बात कर दें तो छोड़ दे, तो आप देखेंगे कि अरे जो घरों पे लगाई जा रही है, क्या कहते हैं भाई, पैनल, अरे घरों पे सौर ऊर्जा, हाँ सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग तो अब धीरे धीरे बड़े स्तर पर होने ही लगा। हम अपने सामने ही देख पा रहे हैं, घर है भाई 4-5 मंजिल है, उसके पूरे छत पर, खिड़की से दिख रहा है भाई, पूरे छत पे सौर ऊर्जा का पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल पूरे छत पे ढक दिया। हमको लगता है वो बिजली लेता ही नहीं होगा ठीक है, एकदम ऐसा टेपर छता हुआ एकदम दिख रहा है। क्या इसका तो अब यूज हो रहा है, वैसे सोलर हीटर विंड मिल का तो यूज हो रहा है, लेकिन अभी हमारे तरफ नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि मतलब उसका सौर ऊर्जा का तो अब छोटे छोटे जगहों पर यूज होने लगा है ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोलर वाटर हीटर के बारे में, ये वाला सोलर हीटर के बारे में, तो कुछ नहीं है भाई सोलर हीटर। सौर किरणों से पानी गर्म करने की यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें न ईंधन जलता है, न धुआं उठता है और न ही बिजली की खपत होती है। सौर जल तापक की विशेषता निम्नलिखित है, सौर जल तापक की कुछ विशेषताएं हैं ठीक है। देखिए यहाँ क्या करेगा, यहाँ बिजली लेगा, यहाँ एनर्जी सौर की ऊर्जा आएगी, सूर्य की ऊर्जा आएगी और यहाँ से इसमें पानी गर्म किया रहेगा, यहाँ से नाली निकालेंगे
इसमें पानी भेजेंगे और यहां से गर्म हो जाएगा तो क्या करेंगे निकालेंगे, ठीक है। करेक्ट, सौर जल तापक में पानी सूर्य के किरणें द्वारा गर्म होता है। सौर किरणों, धूप, मौसम आदि के आधार पर इसमें 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पानी हो सकता है। अब देखेंगे भाई कि सौर कितने किरणें कितनी आ रही हैं, बादल लग जाएगा तो कम ही आ पाएंगे, है ना। और मौसम के प्रभाव से हम देखेंगे इसमें 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होता है। यह विश्व में कहीं भी जहां सूर्य की किरणें पहुंचती वो लगा दीजिए। यह साफ सुथरा सौर रहित है, यह धुआं रहित है और पूर्णतः प्रदूषण मुक्त है। इसको चलाने के लिए परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला, तेल, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका संचालन बड़ा सरल पड़ता है और संचालन व्यय ना मात्र है, क्या मात्र है, धूप में जाकर रखना है। देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी अंग चलता नहीं है कि टूट फूट जाएगा। समय और श्रम की बचत होती है, समय का तो बचत नहीं हमको जहां तक लग रहा है, ये लेटी पकाएगा, श्रम की बचत होगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। यह प्लांट पूर्णतः सुरक्षित है, दुर्घटना का कोई भय नहीं रखता है कि लग गए से लीक कर जाएगा तो बिजली मार देगा। यह प्लांट घर की छत पर अथवा खुले आंगन में जहां सीधी धूप पड़ती है या टेढ़ी धूप पड़ती है लगाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके फायदे हैं। किसके फायदे है भाई, सोलर हीटर का। किसके फायदा है आपके, सोलर हीटर का, ठीक है। अगला देखिएगा, सौर ऊर्जा तापक के अवगुण कोई नहीं है। वाह, ऐसा पहला मिला जिसका कोई अवगुण नहीं है, परंतु दे दिया ना परंतु। जिस दिन धूप नहीं होगा भूखे मर जाएंगे, ठीक है। परंतु इसके संचालन के लिए सूर्यदेव की कृपा अवश्य बनी रहनी चाहिए, बोल दिया ना। और इंद्रदेव को कुंभकर्ण की समय का मान रखना चाहिए। इंद्रदेव को सोए रहना चाहिए भाई, बारिश नहीं होना चाहिए और सूर्य देवता पर डिपेंड होना पड़ेगा। इसकी रचना क्या है, यह सामान्य तौर पर एक जल तापक में इस्पात अथवा एल्युमिनियम का एक गुणे दो मीटर माप का बक्सा होता है भाई, ठीक है। एक गुणे दो मीटर का लंबाई एक हो जाएगा, चौड़ाई जो भी हो जाए का बक्सा होता है, किसका रहेगा, स्टील अथवा एल्युमिनियम का रहेगा, जिसके ऊपर मोटे कांच का ढक्कन लगा रहता है, उसके ऊपर एक कांच का ढक्कन रखा था, तो सूर्य की रोशनी आएगी, ठीक है ना। देखिएगा ऐसा बना देंगे, देखिए ऐसा बना देंगे हम, इसके ऊपर किसका ढक्कन लगा देंगे भाई, देखिए इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। किसका ढक्कन लगाए, अभी मान लीजिए ढक्कन खुला है, कांच का ढक्कन लगा दीजिए, ढक्कन लगा था। बक्से की तली पर कापर की अवशोषक प्लेट फिट की जाती है। अब तली पर एक अवशोषक प्लेट फिट करेंगे कि भाई सूर्य की रोशनी को अवशोषित करे, जिसके ऊपर फिट की जाती है, जिसके ऊपर आर पार होती हुई कापर की नलिकाएं थोड़ी थोड़ी दूर पर लगी रहती है। अब इसी के ऊपर क्या करेंगे, कापर की नलिकाएं लगा देंगे, इन कापर की नलिकाएं नीचे रहेगी, ठीक है। कापर की नलिकाएं लगाई, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाई जाती है। यह नलिकाएं अपने दोनों सिरों पर एक हाइडर पाइप से जुड़ी जाती है ना, दोनों सिरों पर एक पाइप से क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाती हैं। अवशोषक प्लेट और नलिकाओं पर काला पेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है आप जानते हैं, क्योंकि ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है काला, ताकि इनकी ताप अवशोषकता उत्तम बनी रहे और ताप हानि कम हो। ताप हानि को कम करने के लिए अवशोषक प्लेट के नीचे कांच रुई का इंसुलेशन दिया जाता है। सौर जल तापक, हम बता रहे हैं चित्र लेकर नहीं आए हैं, ठीक है, चित्र क्यों लिख देता है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका संचालन कैसे होता है, सौर जल तापक को भवन की छत या खुले आंगन में जहां धूप बिना रोक टोक आती हो रखा जाता है। चपटी प्लेट यानी प्लेट कलेक्टर का मुख सूर्य की किरणों की तरफ कुछ दक्षिण दिशा को झुकाते हुए रखना चाहिए। जल तापक प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक अधिक और सूर्य ग्रहण करता है ना, अधिक सूर्य ग्रहण करता है, अधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करता है। कई बजे से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। जब अनेक संग्रहक लगाने हो तो उनके मध्य 3 से 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, ठीक है।
कितना दूरी रखेंगे आप, 3 से 5 मीटर का दूरी रखेंगे जब बहुत सारा सोलर हीटर लगाना। अगला देखते हैं, करें कि ठंडा पानी संग्रहक के एक सिरे से प्रवेश करता है और हेर फेर जिग जाग पाइपों में चक्र काटता हुआ आवश्यक तापमान तक गर्म होकर दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। संग्रहक के निकले पानी को एक ताप रोधक टंकी में इकट्ठा कर लिया जाता है। यह पानी है ना भाई, समझिए आप इसी को समझ लीजिए ना, इसी को है ना, इसी में क्या करेंगे, पानी गर्म करेगा, एक तरफ से इनलेट होगा, दूसरे तरफ से आउट होगा, फिर एक जगह हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। टंकी में इकट्ठा कर लिया था, यह पानी टंकी के अगले दिन तक गर्म बना रहता है। इंसुलेटर लगाना भाई, अगले दिन सूर्य की किरणें पड़ने पर जल तापक पुनः कार्य करने लगता है। ठीक है, जल तापक की पूर्ण संचालन क्रिया स्वचालित होती है, किसी भी चरण पर इस पर ध्यान रखना नहीं पड़ता है। 1.2 मीटर माप के प्लेट संग्रहक को प्रतिदिन 60 डिग्री सेल्सियस पर 100 लीटर पानी मिल सकता है ना। तो एक जो वाटर हीटर रहेगा वो 60 डिग्री सेल्सियस आपको इतना तापमान देगा और 100 लीटर पानी रोज दे सकता है। अगला करा उपयोग है ना, उपयोग कहाँ कहाँ होगा सोलर हीटर वाटर का। आवासीय भवनों में दैनिक आवश्यकताओं के लिए गर्म आवासीय भवनों में दैनिक आवश्यकता के लिए पानी गर्म करने के लिए घरों के लिए 100 से 300 लीटर क्षमता वाले सौर जल तापक उपयुक्त रहते हैं। आप कहेंगे सर 100 लीटर इधर आए, अरे थोड़ा बड़ा लगा लीजिए तो 200-300 लीटर एक दिन में दे देगा है। दुग्ध उद्योगों में टैंकरों बोतलों को गर्म पानी से धोने के लिए, होटल कैंटीन रसोई घर में बर्तन धोने के लिए, लॉन्ड्री तथा चिकित्सालय में हर जगह धोने में काम आएगा, कपड़ा उद्योग में आएगा। ठीक है, फिर इसमें सावधानियां क्या क्या बरतना है भाई। सौर जल तापक पर दिन के कुछ लेफ्ट हैंड से मजा नहीं आ रहा, सौर जल तापक पर दिन के घंटों में छाया नहीं पड़नी चाहिए है? छाया नहीं पड़नी चाहिए इस पर, 9 बजे से 4 बजे तक सीधी धूप पड़ती रहे। इसके कांच पर धूल इत्यादि नहीं जमना चाहिए, इसे निरंतर साफ करते रहना चाहिए। संग्रहक टंकी में पानी को उसी दिन इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन के लिए तापक कार्य करता रहे। फिर क्या है, एक खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, वेंटिलेशन पढ़ेंगे, समझिएगा। चलिए इसको देखते हैं, समझिएगा। वेंटिलेशन मतलब जैसे कि आपके घर में दरवाजा दिया जाता है, किस लिए, आदमी आए जाए, हवा भी थोड़ा बहुत आ जाता है। खिड़की किस लिए दिया जाता है, हवा को आने के लिए। ठीक है, खिड़की में शीशा लगा देंगे तो लाइट भी आएगा, लेकिन खिड़की मेनली दिया जाता है कि हवा आए। रोशनदान क्यों दिया जाता है, कि गर्म हवा, जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है तो बाहर निकले। खिड़कियां दरवाजे आमने सामने लगाना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन बना रहता है। यही हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, वेंटिलेशन। लेकिन ये सब तो नेचुरल है ना, ये तो अपने घर में, लेकिन कहीं ऐसा आ गया कि आप अगल बगल मतलब खिड़की नहीं लगा सकते, कहीं ऐसा घर है कि रोशनदान ही नहीं लगा सकते, तब क्या करेंगे। या फिर ये जो हम खिड़की दरवाजा रोशनदान बना रहे हैं, इससे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, इसके लिए हमको एसी लगाना है, कूलर लगाना है, ये सारे वेंटिलेशन है। ठीक है, समझिएगा। कह रहा है भवनों व अन्य आच्छादित स्थानों से गंदी, अरे यार ए मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होगा, ठीक है, डोंट वरी। भवनों व अन्य आच्छादित, सबसे पहले हम आवश्यकता वेंटिलेशन की आवश्यकता क्या है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि भवनों व अन्य आच्छादित स्थल से गंदित दूषित हवा को बाहर निकालने और ताजी शुद्ध हवा को भीतर लाने के लिए के क्रिया को समातन कहते हैं। भाई शुद्ध और ताजी हवा आओ, गंदी और बासी हवा जाओ, इसे क्या कहेंगे, वेंटिलेशन कहते हैं। कमरों की दूषित हवा गर्म होने के कारण रोशनदानों से बाहर निकलती है और इसका स्थान लेने के लिए दरवाजे खिड़कियों से ताजी हवा भीतर आती है। मनुष्यों के सांस लेने पर, धूम्रपान करने पर, आग जलाने पर अथवा अन्य कारण से वायु दूषित होती है। सुखदायक आवास के लिए भवनों में ताजी वायु और प्रकाश की नितांत आवश्यकता है। इनके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने पर भवन न रहकर काल कोठरी बन जाता है। ठीक है,
वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%। ठीक है, दशमलव चार है भैया, 0.4%। ठीक है, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, 0.4%। ठीक है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य तत्व 0.96% तक होते हैं, 0.96% तक होते हैं। ठीक है, चलते हैं, तक होते हैं। मनुष्य श्वास लेने के लिए हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक व्यक्ति एक घंटे में श्वास लेने के कारण 0.017 मीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है। देखिए तो एक घंटे में एक व्यक्ति 0.017 मीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 1.5% तक बढ़ जाती है तो मनुष्य को परेशानी, सिर दर्द और सिर चकराने की क्रियाओं का अनुभव करता है। CO2 की मात्रा 2.5% तक बढ़ जाने पर जलती मोमबत्ती स्वतः ही बुझ जाती है और 5% से अधिक होने पर मनुष्य बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। मनुष्य को सुविधा व आराम से रहने के लिए कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जहां रहता है और काम करता है वहां से दूषित हवा निकासी निकास दूषित हवा का निकास और ताजी हवा का आवागमन बराबर होता रहे, अतः भवनों से उपयुक्त समातन का होना आवश्यक है, वेंटिलेशन का होना आवश्यक है। जब कमरे में बाहर से ताजी हवा ठीक से नहीं आती और मनुष्य को सिर दर्द, शरीर में भारीपन, भूख की कमी, नींद न आना और थकान आदि महसूस होने लगती है और उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता, सही बात है। अभी गर्मी का, अभी बहुत गर्मी था, गर्मी में इतना है, रूम हम लोग का रूम थोड़ा ऊपर की तरफ है, इतना गर्म हो जा रहा था ना, 2 घंटे के बाद पढ़ाने के बाद सर दर्द करने लगता था, भाग जाते थे। ठीक है, अब सुखदायक की स्थितियां क्या है भाई, कंफर्टेबल कंडीशन क्या है। मनुष्य को सुखदायक पर्यावरण में रहने तथा अपना कार्य संपन्न करने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी बातें आवश्यक है भाई, देखते हैं। शुद्ध हवा, ताजी तथा शुद्ध हवा, वायुमंडलीय ऊष्मा व दाब, है ना, ऊष्मा मतलब वही गर्मी नहीं होना चाहिए, और आर्द्रता तथा प्रकाश। देखिएगा, अब ताजी शुद्ध हवायु की हम बात करेंगे। मनुष्य को आराम से रहने तथा अपना काम चुस्ती से निपटाने के लिए शुद्ध ताजी हवा की लगातार आवश्यकता पड़ती है, समझते रहिएगा, हम पढ़ते रहेंगे। यदि किसी कमरे में ताजी हवा का आवागमन नहीं है अथवा अपर्याप्त है तो मनुष्य को सिर दर्द, शरीर में भारीपन, नींद न आना, भूख कम लगना, थकावट आदि महसूस होने लगती है और उसका कार्य में मन नहीं लगता है। एक मानव को 35 से 70 घन मीटर प्रति घंटा ताजी हवा मिलनी चाहिए। सार्वजनिक भवनों में 35 से 70 घन मीटर प्रति व्यक्ति ताजी हवा उपलब्ध रहनी चाहिए। सामान्यतः वायु प्रचलन की गति 3 से 9 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। जो वायु आएगा वो तीन, उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो 3 से 9 मीटर प्रति मिनट रहेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे उस वायुमंडलीय ऊष्मा व दाब, समझते रहिएगा, हम पढ़ते रहेंगे। मनुष्य की कार्य करने की क्षमता पर वायुमंडलीय ऊष्मा व दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गर्म ऋतु में बाहर का तापमान शरीर के तापमान से अधिक होता है जबकि शरद ऋतु में इसके विपरीत होता है। शरीर के तापमान से अधिक तापमान वाले मौसम में मनुष्य की काम करने की क्षमता घट जाती है, गर्मी की बात कर रहा है, जबकि कम तापमान वाले मौसम में मनुष्य की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अतः गर्म देशों के लोगों की काम करने की क्षमता ठंडे देशों के लोगों के तुलना में कम होती है। शरद ऋतु में, यानी ठंडी में कर रहा है, शरद ऋतु में 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में 20 से 24 का तापमान अधिकतर लोगों को सुखदायक रेखा पर ले आता है। कमरे की बाहरी तथा भीतरी तापमानों में 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि एसी में आपका है, यदि घर में है आपका, मतलब एसी लगवाए हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस है और बाहर निकले के
मानेगा, बाहर निकलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ से जब यहाँ निकलेंगे फिर तभी आपका तबीयत खराब होगा। डायरेक्ट एसी से बाहर निकले धूप में फिर तबीयत आपका खराब होगा, 8 डिग्री से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। फिर आर्द्रता की बात हो रहा है, ह्यूमिडिटी यानी जो जो वायुमंडल में कुछ नमी की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता का मनुष्य के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे अधिक नमी वाली जलवायु में रहने पर मनुष्य बेचैनी अनुभव करती है, यानी हवा में पानी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हवा में पानी रहेगा तो बहुत ठंडा ठंडा लगेगा आपको। इस प्रकार अधिक सूखी हवा भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहती है। अतः वायुमंडल में आर्द्रता का मान मनुष्य की त्वचा के अनुरूप होना चाहिए। वातानुकूलन में यानी एसी में, एसी की बात कर रहा है, एसी में वातानुकूलन, एसी में वायु के ताप और आर्द्रता को मनुष्य के शरीर के अनुकूल बनाया जाता है। एसी में क्या कहता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और आर्द्रता को अनुकूल बनाया जाता है। किसके भाई, शरीर के अनुकूल बनाया जाता है। सामान्यतः गर्मी के मौसम में अपेक्षित आर्द्रता 40 से 50% और शरद ऋतु में 60% अच्छी समझी जाती है। ठीक है, फिर प्रकाश, मनुष्य को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए उपयुक्त रोशनी की आवश्यकता आवश्यकता रहती है। मनुष्य को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए उपयुक्त रोशनी की आवश्यकता उपयुक्त ठीक है, रोशनी की आवश्यकता रहती है भाई, आवश्यकता मनुष्य रहती है, मनुष्य को रहती है, हो जाता तब भी सही हो जाता, कोई बात नहीं मिटा दिए। चलिए, कहे प्राकृतिक प्रकाश स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। प्राकृतिक प्रकाश स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। जब प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध नहीं रहता तब कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था करना पड़ता है। अब स्टूडियो में ही देखिए, इतना कृत्रिम रोशनी है ना, इधर देखिए लाइट, उधर देखिए लाइट, इधर देखिए लाइट, पूरा लाइटे लाइट है, ठीक है ना, व्यवस्था करनी पड़ती है। जब प्राकृतिक तौर पर वांछित संवातन आर्द्रता प्रकाश आदि उपलब्ध नहीं हो पाता। अब सबके बारे में बात करें, अब चारों के बारे में बात करें, जब प्राकृतिक तौर पर संवातन यानी वेंटिलेशन आर्द्रता प्रकाश उपलब्ध नहीं होते हैं तब कृत्रिम उपायों से इनकी कमी दूर की जाती है। बिजली के पंखे, एग्जॉस्ट फैन, एसी इन्हीं उपायों के अंतर्गत आते हैं। अब बिजली का पंखा क्या है, प्राकृतिक तौर पर नहीं हवा दे रहा है, हम एक्स्ट्रा लगाए हैं। एग्जॉस्ट फैन जो पंखा जो बाहर फेंकता है और नेचुरल नहीं है, हम खुद लगाए हुए हैं। एसी, एसी नेचुरल है, भगवान दिए हमें, जाओ है ना, ये उपायों के अंतर्गत आते हैं, यानी ये क्या कृत्रिम उपायों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला हम क्या पढ़ेंगे भाई, वायु बदल या वायु निष्कासन, एयर चेंज, नाम से नहीं कन्फर्म हो जा रहा, क्या हम पढ़ेंगे, एयर चेंज, समझिएगा। लोगों के श्वास लेने पर कमरे की लोगों के श्वास लेने पर कमरे की वायु दूषित हो जाती है ना, सांस लेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो दूषित ही होगा, जिसे बाहरी ताजी हवा में बदलना आवश्यक है, यानी इसको फिर बाहर फेंक दीजिए फिर ताजा हवा अंदर लीजिए, कमरे की बात कर रहे हैं। प्रति घंटा कितनी बार एक कमरे की हवा बदल हो, मतलब बदल रहा हो, यह चक्र वायु बदल कहलाता है। मुख्य भवनों के लिए वायु बदल की संख्या सारणी में दी गई है। बदल रहा हो, ठीक है, अब सारणी देखते हैं भाई, सारणी देखिए, एक सारणी दिया, यानी जो रेजिडेंशियल रूम है ना वो एक घंटे में प्रति घंटा कितनी बार चेंज होना चाहिए, 3 बार। जो स्कूल में एक घंटे में 6 बार चेंज होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में इंजीनियर बिना नहाए जाते हैं सर। चिकित्सालय, कार्यालय, सभागार में 1 घंटे में 3 बार। रसोई, किचन में 20 से 40 बार वायु बदल होना चाहिए 1 घंटे में। सिनेमा हॉल, नाचघर, ऑर्केस्ट्रा में 10 से 15 बार 1 घंटे में बदलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे संवातन की विधियां। अब क्या पढ़ेंगे भाई, हम सिस्टम देखेंगे वेंटिलेशन की। संवातन की 2 पद्धतियां हैं, एक है नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा है भाई आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। प्राकृतिक संवातन पद्धति आवासीय घरों, फ्लैटों आदि में अपनाई जाती है, जहां पर वायु बदल और धूल पर नियंत्रण लाजमी नहीं है। ये एकदम अच्छे से ही आपका वायु बदल हो और धूल पर नियंत्रण अच्छे से ही हो।
लेकिन कृत्रिम समातन पद्धति ऐसे सार्वजनिक हाल कमरों कक्षों में अपनाई जाती है जहां पर एक समय में 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं और उनकी गतिविधियों के लिए आवश्यक फर्श क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। भीड़ वाले स्थानों पर प्रायः प्राकृतिक समातन अपर्याप्त व अप्रभावी रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। प्राकृतिक समातन पद्धति आवासीय घरों फ्लैटों आदि में अपनाई जाती है ना। एक घर में जैसे कि 6-7 लोग हैं, जैसे कि एक रूम में मेरे यहाँ हम ही अकेले रहते हैं, वहाँ हम नेचुरल से काम चला लेंगे जहाँ पर वायु बदल और धूल पर नियंत्रण लाजमी नहीं है। क्योंकि एक लोग कितना गंदा करेंगे कमरे को, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वही कृत्रिम समाधान ऐसे जगह पर जहाँ सार्वजनिक हाल हो, कमरा हो, कक्षा हो, अपनाई जाती है जहां पर एक समय में 50 से अधिक लोग होते हैं और कम ही एरिया में और उनकी गतिविधियों के लिए आवश्यक फर्श क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता, कम ही एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, भीड़ वाले स्थानों पर प्रायः प्राकृतिक समातन अपर्याप्त तथा अप्रभावी होता है। प्राकृतिक समातन पद्धति में पढ़ते हैं, प्राकृतिक समातन जो है भवनों तथा कमरों का उपयुक्त दिक विन्यास अपनाकर और पर्याप्त संख्या में दरवाजे, खिड़कियां व रोशनदान रखकर प्राप्त किया जाता है। यह पद्धति छोटे भवनों के लिए उत्तम रहती है क्योंकि इसमें किसी उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है। समातन की यह एक मितव्ययी विधि है। पागल हो जाएंगे, इसके भरोसे मत रहिएगा, है ना। प्राकृतिक समातन आपको तभी फायदा करेगा जब आपका घर जंगल में हो। ठीक है, जैसे मेरा घर जंगल किनारे है। कृत्रिम समातन पद्धति क्या है भाई? भवन में ताजी वायु का आवागमन तभी हो पाता है जब बाहर सही दिशा वाली हवा चल रही हो और भवन के बाहरी तथा भीतरी तापमानों में अंतर हो। फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि बाहर से आने वाली हवा भवन के सभी कमरों में और कमरों के सभी कोनों तक पहुंचती रहे। नेचुरल वाले की भी बात कर रहा है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि नेचुरल में हो ही। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक समातन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जब बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा है तो कमरे के भीतर बैठा व्यक्ति प्राकृतिक समातन पर कैसे निर्भर रह सकता है? ऐसे स्थिति में कृत्रिम समातन, जिसे यांत्रिक अथवा पंखा समातन भी कहते हैं, का आश्रय लेना पड़ता है। सार्वजनिक भवनों में जहां पर भीड़ अधिक रहती है और वायु मुक्त प्रवाह नहीं है, कृत्रिम समातन आवश्यक हो जाता है। जिस स्थान पर 50 से अधिक लोग एक ही समय में एकत्रित होते हैं और प्रत्येक के लिए 3 घन मीटर से अधिक स्थान उपलब्ध नहीं होता है, कृत्रिम समातन की व्यवस्था करनी लाजमी है। ठीक है ना भाई। चलिए कराते कि यात्रिक समातन में वायु की गुणवत्ता, परिमाण, तापमान, आर्द्रता आदि पर नियंत्रण रखा जाता है। यांत्रिक समातन बड़े कार्यालयों, सभा भवनों, बैंकों, सिनेमा घरों, औद्योगिक प्लांट में बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे भाई, कृत्रिम मतलब हम निम्न पद्धतियां देखेंगे। कितनी पद्धति है आपका नेचुरल वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के? तो सबसे है एग्जास्ट या वैक्यूम सिस्टम। अरे अपने घर के गर्म गैसों को बाहर निकालिए, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है? पेनुलम सिस्टम, यानी अंदर ठंडी गैस, मतलब ठंडी हवा अंदर भेजिए। पहला है गर्म हवा बाहर फेंकिए, दूसरा ठंडी हवा अंदर भेजिए, तो एग्जास्ट या वैक्यूम सिस्टम। दूसरा है ब्लात या प्लेनम पद्धति, और दूसरा है दोनों को एक तरफ फेंकते रहिए, गर्म एग्जास्ट फैन लगा के बाहर फेंकिए और दूसरे तरफ से ठंडी हवा लीजिए। दोनों मेथड लगा सकते हैं, तो कंबाइंड एग्जास्ट एंड पेनुलम सिस्टम। और चौथा क्या है भाई? एसी। चौथा क्या है आपका? एसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं एग्जास्ट या वैक्यूम सिस्टम। पहला क्या देखेंगे हम? एग्जास्ट या वैक्यूम सिस्टम। क्या देखेंगे मेरे लाल? एग्जास्ट या वैक्यूम सिस्टम देखेंगे। ठीक है, इस पद्धति में कमरे की बाहरी दीवारों अथवा छत में उचित संख्या में वायु निष्कासक एग्जास्ट पंखे व ब्लोअर लगाए जाते हैं। देखिए सब आप समझ रहे हैं, बस समझते रहिएगा। जो कमरे के दूषित वायु को अपनी तरफ खींचकर बलपूर्वक बाहर फेंकते हैं, जिससे कमरे का आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है, जिसका स्थान लेने के लिए ताजी हवा दरवाजे, खिड़कियों व झरोखों से अंदर आती है।
क्योंकि दूषित वायु गर्म और हल्की होती है, अतः एग्जॉस्ट फैन के ऊंचाई पर छत के पास लगाए थे। भाई हम शुरू में कहा है, हम पढ़ाते हुए बताए थे, गर्म गैस जो हवा है गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर ही एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं कि फेंक दो भाई इसको जा करके, ठीक है। और वैक्यूम बनता है, वैक्यूम बनने के लिए भरने के लिए उस जगहों को, खाली जगहों को भरने के लिए खिड़की वगैरह से, फिर दरवाजे खिड़की रोशनदान में, रोशनदान नहीं दरवाजे खिड़कियों से जहां से हो सकता है ताजी हवा आती है, तो क्या हो गया एग्जॉस्ट या वैक्यूम सिस्टम। दूसरा है ब्लास्ट समातन सिस्टम यानी प्लेनम सिस्टम, प्लेनम सिस्टम। करें कि समातन की इस पद्धति में यांत्रिक पंखों द्वारा बाहरी वायु बलपूर्वक कमरे के अंदर फेंकी जाती है, परंतु दूषित हवा की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। पहले में फेंक तो रहे हैं, लेकिन उसका भी अंदर आने की व्यवस्था डोर विंडो है, लेकिन बाहर में भाई अंदर अंदर हवा फेंकेगा लेकिन बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। बाहरी वायु को आवश्यकता अनुसार उपचारित व नियंत्रित भी किया जाता है, ठीक है। अब बाहर से जब अंदर जो वायु भेज रहा है, हो सकता है उसको हम ट्रीटमेंट करके भेजें कि भाई ज्यादा धूल धक्कड़ या फिर जहरीली गैसें न फेंक दे अंदर, तो उसको ट्रीटमेंट करके फेंका जा सकता है, किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। कितना मात्रा में वायु चाहिए, किस क्वालिटी का वायु चाहिए, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लेनम कर प्लेनम पद्धति में भवन के उपयुक्त बिंदु पर जहां अपर्याप्त मुक्त हवा का संचरण है पंखा प्लांट लगाया जाता है, और जहां से प्रत्येक कमरे तक वायु यानी इसकी डाली जाती है, यानी एक जगह बहुत बड़ा प्लांट लगाइए, प्लांट लगाते हैं जिसमें हवा वो खींचेगा, और एक जगह मान लीजिए कि एक जगह प्लांट लगाया जो हवा खींचेगा, क्या करेगा हवा खींचेगा और नाली द्वारा इस हवा से नाली के द्वारा इस रूम में, फिर इस हवा द्वारा इस रूम में फेंक देंगे, फिर नाली द्वारा ले जा करके एक जगह प्लांट लगाए कि हवा खींचेगा और प्लांट से सभी रूम को क्या कर देंगे पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, इस पाइप को करा डक्ट कर रहा है, डक्ट डाल देंगे और डक्ट से आपके रूम में ठंडी हवाएं जाते रहेंगे। देखिए क्या लग रहा है कि प्लेनम पद्धति में भवन के उपयुक्त बिंदु पर जहां पर्याप्त मुक्त हवा का संचरण है पंखा प्लांट लगाया जाता है, और यहां से प्रत्येक कमरे तक वायु वाहिकाएं यानी डक्ट डाली जाती हैं। अपकेंद्रीय पंखा बाहर से हवा अंदर खींचता है, यह हवा पहले फिल्टर द्वारा साफ की जाती है, फिर यदि आवश्यक हो तो वांछित तापमान तक गर्म अथवा ठंडी की जाती है, और ओजोन द्वारा रोगाणुनाशन की जाती है। बताना सारा कर देते हैं। अब पंखा इस उपचारित हवा को बलपूर्वक वायु वाहिकाओं में भेजता है जिनका मुख कमरों की छत के पास खुलता है, बस जिस कमरे के पास रहेगा खुल जाएगा। जब यह उपचारित हवा कमरे में पहुंचती है तो इससे कमरे के भीतर वायु दाब बढ़ जाता है और दूषित हवा निकास मार्ग से स्वतः बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई कंबाइंड एग्जॉस्ट एंड प्लेनम सिस्टम। क्या करें कि निष्कासन पद्धति अथवा प्लेनम पद्धति अलग अलग इतनी संतोषजनक नहीं रहती भाई, एक सिर्फ बाहर फेंक रहा है, दूसरा सिर्फ अंदर घुसा रहा है, लेकिन ये क्या है करे कि दोनों अलग अलग लगाते हैं ना तो उतना संतोषजनक रिजल्ट नहीं देते हैं, और पूरे वर्ष के मौसम के लिए आरामदायक नहीं है, अतः दोनों की संयुक्त पद्धति अधिक प्रभावी और संतोषजनक रहती है। सार्वजनिक स्थानों पर निष्कासन पद्धति के साथ साथ प्लेनम पद्धति भी लगाना चाहिए भाई, एक अंदर हवा को खींचेगा, दूसरा गर्म मतलब एक अंदर हवा खींचेगा, दूसरा दूषित हवा को बाहर फेंकेगा, कितना अच्छा व्यवस्था। उससे अच्छा व्यवस्था आजकल एसी चल गया है भाई। मानव त्वचा की सुविधा को ध्यान में रखकर जब किसी स्थान का तापमान नियंत्रित करने के साथ साथ उस स्थान की आर्द्रता वायुगत वायु की सफाई रोगाणुनाशन इत्यादि बातों पर नियंत्रण रखा जाता है तो वह वातानुकूलन कहलाता है। एसी में क्या करता है भाई, एसी में त्वचा की सुविधा को ध्यान में रखकर जब किसी स्थान का तापमान को हम कंट्रोल करते हैं के साथ साथ आर्द्रता को भी कंट्रोल कर लेते हैं, वायु गति को भी कंट्रोल कर लेते हैं, वायु की सफाई को भी कंट्रोल कर लेते हैं, उसका हम रोगाणुनाशन भी कर देते हैं, इन सब को देखते हुए जब हम अपना जो सिस्टम लगवाते हैं उसे कहते हैं एसी। अब हम पढ़ेंगे एसी के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ेंगे एसी के बारे में, ठीक है। चलिए करें कि एसी क्या होता है भाई, वायु किसी कक्ष भवन के भीतर के वायुमंडलीय स्थितियों को मनुष्य की भौतिक अवस्थाओं के अनुरूप ढालने की तकनीकी को वातानुकूलन कहते हैं, है ना। वायु किसी कक्ष या भीतर की वायुमंडलीय स्थितियों को
भाई किसी कक्ष के भीतर की जो कंडीशन है मनुष्य के अनुरूप ढालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, जो एसी है वातानुकूलन और समातन में अंतर है। वातानुकूलन में वायु को पूरी तरह से मानव त्वचा के अनुकूल बनाया जाता है एसी में, जबकि समातन में केवल ताजी हवा की आपूर्ति की जाती है। वातानुकूलन प्लेनम पद्धति का ही विकसित रूप है। प्लेनम पद्धत जो अंदर आ रहा था उसी का डेवलपमेंट मेथड बनाया गया है आपका एसी। वातानुकूलन के अंतर्गत उस स्थल के तापमान, आर्द्रता, वायुगत तथा वायु की स्वच्छता पर वांछित नियंत्रण रखा जाता है, ताकि मनुष्य वहां सुख का अनुभव करे, अपने पूर्ण कार्य क्षमता बनाए रखे। वातानुकूलन एक जटिल व महंगी व्यवस्था है, ऐसी महंगी व्यवस्था है, बिजली आएगा खर्चा, फिर भी सुखदायक व वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग आवासीय भवनों, कार्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, रेस्टोरेंट, नाचघर, ऑर्केस्ट्रा, सिनेमा हॉल, विभागीय स्टोर इत्यादि में किया जाता है। कुछ उद्योग जैसे प्लास्टिक, कागज, दवाई उत्पादन, कपड़ा मिलों में भी एसी आवश्यक है। हम लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं यहाँ भी बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड है, आगे 4-5 कंप्यूटर रखे हैं, यहाँ भी एसी आवश्यक है कि नहीं। अब वायुवानों, जलपोतों, रेलगाड़ियों, बसों, कारों इत्यादि में भी एसी प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ है, जैसे कि एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड है, आगे कंप्यूटर रखा गया है, सिस्टम रखा है, कैमरा बहुत कुछ रखा हुआ है, तो इसको भी अच्छे दशा में कार्य कराने के लिए एसी आवश्यक है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग। आगे चलते हैं, वातानुकूलन संबंधी मुख्य बातें। अब कुछ बातें समझिए भाई वातानुकूलन संबंधी। मनुष्य एक निश्चित तापक्रम, आर्द्रता व वायुगत पर ही सुख महसूस करता है। वातानुकूलन में वायु को साफ करके वांछित तापमान व आर्द्रता पर कक्षों में भेजा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न मौसम में सुखकर तापक्रम, आर्द्रता व वायुगत का मान भी भिन्न भिन्न होते हैं, और ये व्यक्ति विशेष की त्वचा सहनता तथा परिधानों पर नियंत्रित करते हैं। जब कोई व्यक्ति गर्म मौसम से अकस्मात ठंडे कमरे में आता है तो उसे अत्यधिक ठंड का अनुभव होता है और उसे सहसा झटका लगता है, जबकि इसके विपरीत ठंडे कमरों से बाहर आने पर उसे गर्मी का कारण बेचैनी होने लगती है। कमरे के भीतर सुखकर तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस ठीक रहता है, बाहर वह आंतरिक तापमानों में 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है वातानुकूलन के प्रकार। वातानुकूलन कितने तरह से प्रक्रम, वातावरण वातानुकूलन कैसे काम करता है भाई, है ना, इसका प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। पहला प्रोसेस क्या है वातानुकूलन प्रक्रम, निम्न है। पहला क्या है भाई, फिल्ट्रेशन ऑफ कमिंग एयर। जो एयर आएगा उसको उसको क्या करेगा, सबसे पहले उसको फिल्टर करेगा। दूसरा है वायु का तापमान व शीतलिंग, यानी उसका हीटिंग एंड कूलिंग। उस पहले हवा को साफ करके लेगा, फिर उस हवा को क्या करेगा, साफ करेगा। ठीक है, कूल करेगा, ठंडा करेगा, गर्म करेगा। अब गर्म मतलब हीटर वाला काम नहीं कर रहे ना, हो सकता बाहर से आप एसी किए हुए हैं 25 पर, एसी किए 25 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है बाहर 23 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है बहुत अधिक बारिश हो गया है किसी कारण से बाहर 23 हो गया, तो उसको 25 तो कर ही के भेजेगा ना। ठीक है, फिर आर्द्रीकरण यानी है ना आर्द्रता उसमें भरेगा, फिर क्या करेगा एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और क्या करेगा फिर रिसर्कुलेशन करता है। समझेगा, पहले चरण में बाहरी वायु को धूल रहित व रोगाणु मुक्त करने के लिए इसे फिल्टर किया जाता है। दूसरे चरण में मौसम अनुसार इसे तापक या प्रशीतक पर गर्म अथवा ठंडा किया जाता है। तीसरे चरण में आर्द्रक द्वारा इसमें नमी की मात्रा घटाई अथवा बढ़ाई जाती है। चौथे व अंतिम चरण में इसे वाहिकाओं द्वारा कमरों में भेजा जाता है। पुनः संचारण में भेजी गई वायु को शुद्ध करने के लिए वायु वाहिकाओं द्वारा पुनः प्लांट तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, पर प्रोसेस क्या होता है, हमेशा होता रहता है ना। रिसर्कुलेशन मतलब होता है खराब गैसों को बाहर निकाल करके, और फिर भाई जो अंदर भेजा वो फिर खराब हो जाएगा, फिर उसको अंदर ले लेगा, फिर साफ भेजेगा। ठीक है, उसे रिसर्कुलेशन कर। अब फिर है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब ये एसी सिस्टम कितने तरह से होता है भाई, दो तरह से, एक होता है यूनिटरी सिस्टम और दूसरा होता है आपका सेंट्रल सिस्टम, यानी इकाई या स्वतंत्र कक्ष प्रणाली, दूसरा होता है केंद्रीय प्रणाली। ठीक है, इनको हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इकाई वातानुकूलन प्रणाली क्या है? अरे जो आपके घर में लगा हुआ है, सिर्फ एक एसी लग गया है ना, सिर्फ एक एसी लग गया, वो क्या होगा? यूनिट है, एक कमरा को गर्म कर, मतलब एक कमरा को ठंडा करेगा। इस प्रणाली में भवन के प्रत्येक कक्ष में अलग अलग छोटे आकार का एसी स्थापित किया जाता है। अरे एक यूनिट है, एक कमरे के लिए एक एसी, एक कमरे के लिए एक एसी। वातानुकूलन की क्षमता 1 से 2 टन होती है। देखिए एसी की क्षमता 1 से 2 टन, इसका मतलब क्या है कि तौलना नहीं है, एसी को तौलना नहीं है। जैसे एसी खरीदने जाएंगे तो कहेंगे एसी कितने का, तो कहेगा 2 टन का, कहेंगे तौल कर दिखाओ, है ऐसा नहीं करना। 1 टन मतलब कि उस कमरे में 1 टन बर्फ रख देंगे, तो 1 टन बर्फ जितना ठंडा करेगा वो एसी ठंडा करेगा, इसका मतलब यह होता है। यह उपकरण बाहरी खिड़की में अथवा अंतर छत के निकट लगाए स्थापित किया जाता है ना, सीलिंग के पास, और सीधे कमरे में एसी वायु फेंकता है। इस प्रणाली में वायु डक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे लगाएंगे और आपके आपके कमरे में वो हवा को क्या करेगा भाई, फेंकेगा। यह प्रणाली केंद्रीय प्रणाली से उत्तम रहती है। अब केंद्रीय प्रणाली यहाँ है, केंद्रीय प्रणाली हम पढ़ेंगे, उत्तम रहती है। क्यों उत्तम रहती है भाई? केंद्रीय प्रणाली से उत्तम नहीं है, नहीं, यह प्रणाली केंद्रीय प्रणाली से उत्तम नहीं है, क्योंकि इसमें शोर उत्पन्न होता है और धूल निकासी व ताप नियंत्रण भी उत्तम नहीं होता है। वैसे उत्तम होता है लेकिन सेंट्रल से उत्तम नहीं होता, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। ये बात जब कंपेयर करता है ना भाई, ऐसे तो सबसे मस्त है, लेकिन उसी में जब कंपेयर कर रहा है उसके हिसाब से कर रहा है। इकाई वातानुकूलन अधिकतर घरों, दफ्तरों, बैंक, रेस्टोरेंट, शोरूम, प्रयोगशाला टेस्ट इत्यादि में लगाए जाते हैं। इनको खिड़की वातानुकूलन इकाई यानी विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट अथवा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल सिस्टम। अब सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है भाई? देखिए सेंट्रल सिस्टम में कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, हाँ सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम मतलब जो घर रहेगा ना, जो घर है ये आपका क्या है, घर है, ये क्या है भाई, आपका घर है। अब जैसे कि घर में क्या करेंगे, किसी एक जगह पर प्लांट लगाएंगे, किसी एक जगह पर एसी बैठाएंगे। अब एसी बहुत बड़ा एसी, मॉल वगैरह में जाएंगे तो क्या आपको हर मॉल में एसी देखने को मिलता है? नहीं, वो ऊपर प्लांट करके बैठाया गया है। और क्या करेंगे, पाइप के थ्रू जहां भी डालना होगा इसका हवा पाइप के थ्रू जहां जहां लेके जाना है कर देंगे सेंटर में। इसको कोई जरूर नहीं कि सेंटर में स्थापित करिए, जहां मन करे वहां प्लांट एक स्थापित कर दीजिए और प्लांट से पाइप निकाल करके जहां जहां ठंडा करना है वहां हवा छोड़ दीजिए, वो अपने आप क्या करेगा, ठंडा कर देगा, ठीक है ना। देखते हैं, बहुत बड़ा ये प्लांट की तरह होगा। करा इस प्रणाली में भवन के किसी उपयुक्त बिंदु पर वातानुकूलन प्लांट लगाया जाता है ना, एसी प्लांट लगाया जाएगा और इससे अनुकूलित वायुकाओं द्वारा, जो अनुकूलित वायु है वाहिकाओं द्वारा यानी वही पाइप द्वारा प्रत्येक कक्ष तक पहुंचाई जाती है। कमरों की दूषित हवा को भी लौटती वाहिकाओं द्वारा पुनः संचारण हेतु प्लांट तक ले जाया जाता है ना, जो खराब गैस है दूषित उसको भी खींच लिया जाता है। केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली प्रकार तथा संरक्षण की दृष्टि से उत्तम रहती है, जब तुलना करेंगे उससे तो क्या रहती है, उत्तम रहती है। अब क्या है भाई, थर्मल इंसुलेशन क्या है? तो आप जानते हैं उष्मा संचरण क्या होता है भाई, उष्मा का आदान प्रदान रोक देता है, ठीक है। भवन के भीतर तथा बाहर से तापमानों में अंतर होता है, यह अंतर भवन निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों पर निर्भर करता है। कुछ मटेरियल अधिक उष्मारोधी होते हैं जबकि अन्य कम होते हैं। ऋतु के परिवर्तन पर तापमान बढ़ता है अथवा घटता है। अत्यधिक अथवा न्यूनतम तापमान पर मानव परेशानी का अनुभव करता है। मानव क्या करेगा भाई, परेशानी का अनुभव करेगा, ठीक है, समझिएगा। अतः वह चाहता है कि उसके आवासीय कक्ष गर्मी में ठंडे तथा ठंडी में गर्म रहे। उष्मा के संचरण को रोकने अथवा कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें उष्मारोधक कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, उष्मा के संचरण, ठीक है, संचरण आने जाने के लिए, संचरण को रोकने अथवा कम करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे उन्हें उष्मारोधक कहते हैं। भवन की उष्मा प्रतिरोधकता बहुत हद तक इसे उचित दिक स्थापन पर निर्भर करती है। इसका ओरिएंटेशन कैसा है, दरवाजा किधर लगाए, घर किधर लगाए, मेन डोर किधर है, ठीक है, आंगन कहाँ है, इस पर निर्भर करती है। भवन को इस प्रकार सेट करना चाहिए कि शरद ऋतु में अधिक समय तक धूप कमरों के भीतर आता रहे,
और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधे सूर्य की सीधी किरणों का प्रवेश न हो, इस प्रकार से क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे अब उष्मा रोधक पदार्थ क्या होते हैं। उष्मा के संचरण को रोकने अथवा उसके प्रवाह को कम करने के लिए उष्मा रोधक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। भवन की दीवारों फर्शों तथा छत को इन पदार्थों से ढांप दिया जाता है। ठीक है, पदार्थ ढांप देंगे फिर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एल्यूमिनियम फॉयल, फोम ग्लास, ब्लैंकेट्स, लकड़ी का बुरादा कार्क उष्मा रोधन पदार्थों के रूप में रॉक वूल, स्लैग वूल, फाइबर बोर्ड, खनिज बोर्ड, एस्बेस्टस सीमेंट बोर्ड, हल्की कंक्रीट के ब्लॉक, प्लास्टिक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में भाई, इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ क्या होता है, द इंड होता है। यहाँ क्या होता है भाई, द इंड होता है। क्या इंड होता है भाई, क्या द इंड होता है, क्या इंड होता है, अरे ये तो जा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। द इंड होता है, क्या इंड होता है आपका, प्लम्बिंग होता है। ठीक है, प्लम्बिंग। यहाँ पर क्या होता है आपका, प्लम्बिंग क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसके अलावा, देखिए बहुत मेहनत करके हम पढ़ाए हैं, कमी नहीं छोड़े अपने तरफ से। ठीक है, ठीक है, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, हाँ इसके बाद कि आपको कभी भी देखिए कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अगर तो कोई आपको डाउट है, ठीक है, आपको डाउट है तो हम बता चुके हैं कि डाउट है तो आपको कोशिश करना है ना। देखिए प्लम्बिंग से रिलेटेड नहीं, आप कोई कुछ और पूछना चाहते हैं, अभी आप जब पास आउट होंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी, जो भी आप पूछना चाहते हैं तो इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए 8756394248, है ना, 8756394248, आप इस पर फोन करके पूछ सकते हैं। क्योंकि आप सिक्स सेमेस्टर में आगे तैयारी करना चाहते हैं, आप प्राइवेट जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, कि आप बीटेक करना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सर हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है, या अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दो साल बीत जाएगा, चार साल बीत जाएगा, तैयारी करते रहेंगे, फिर थक जाएंगे, आप पता नहीं चलेगा जिंदगी में क्या होगा, किधर जाएं, आगे बढ़ें, पीछे हटें, उस समय आप हमको SMS कर लीजिए सर, फोन कर लीजिए, या फिर आप फोन ही कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा SMS करके पूछ लीजिए सर खाली है तो फोन कर लीजिए, तो आपको जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिलेगी। आपकी नौकरी लग जाए तब हमको बता सकते हैं सर नौकरी लग गई, लीजिए आपके लिए जोमैटो से ऑर्डर किए हैं, या फिर आप SMS करके परेशानी बता सकते हैं, या कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो आपके लिए हम अवेलेबल हैं। थोड़ा बिजी रहते हैं, कॉल वगैरह मत करिएगा, SMS करिएगा, बाकी स्टूडेंट का हमेशा मतलब कि हम हैं ही आप ही लोगों के लिए। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो हम बता चुके हैं, मंकेश क्या है भाई, मंकेश _ क्या है सर, तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाएंगे और लिखेंगे किसी भी मंकेश _ सर लिख देंगे, आ जाएंगे, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, चैट आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ अच्छा अच्छा वीडियो हम डालते रहते हैं। तो आशा करते हैं आप सिक्स सेमेस्टर बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। आज सिक्स सेमेस्टर आशा करते हैं कि आप ऑनर्स लेके आइए और बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब पाइए, हम यही आशा करते हैं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, गुड लक।